हेलो हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते गुरु जी। ओ हमारे कौन बोल रहे हैं आप? मैं महेश बात कर रहा हूँ मुंबई से। आप अच्छा, मुंबई बिजी हो से। गए? हाँ कहें, क्या बात है? हेलो। हाँ मुझे ये पूछना था कि गुरु जी जो शांभवी मुद्रा करते हैं या योनि मुद्रा करते हैं, खेसरी मुद्रा करते हैं, उसके लिए कोई सिद्धगुरु की आवश्यकता होती है क्या? तो उसके बाद ही वो मुद्रा सिद्ध होती है, ऐसा कुछ है उनके पास से दीक्षा लेने के बाद ही? ऐसा है ना। हेलो हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। तो हाँ। ऐसा है कि किसी भी चीज को करने के लिए दीक्षा जो होती है, दीक्षा का अर्थ होता है संकल्प। दीक्षा लेने की आवश्यकता है तो ही तो वो मैं बता रहा हूं ना, उनको। दीक्षा क्या है पहले वह तो समझिए। हाँ। दीक्षा क्या है उसको तो जानिए। दीक्षा का अर्थ होता है संकल्प लेना, ठीक है? तो संकल्प कोई दिलाएगा तभी आप लेंगे क्या? संकल्प तो आप अपने से ले सकते हैं ना कि मुझे यह करना है। ऐसा कोई तो है नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि यह संकल्प लो, शपथ लो, तो ही आप शपथ लेंगे। अच्छा कोई ये प्रधानमंत्री का और राज्यपाल का, इन सब का, कोई मंत्रालय का शपथ की तो बात है नहीं। यह तो स्वयं लेना पड़ता है शपथ। और जब व्यक्ति स्वयं लेता है प्रेरित होकर के, तो वह ज्यादा और प्रभावी होता है क्योंकि उसको कोई थोपा नहीं गया। अच्छा आप चाहें तो किसी योग्य व्यक्ति से शपथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप स्वयं भी शपथ ले सकते हैं। आप उन्हें करने का सोच दिया, प्रयोग के लिए सोच दिया, इतना काफी है, वही संकल्प है। अच्छा हाँ, कि अब प्रयोग करना चाहा आपने कि भाई मैं शांभवी मुद्रा का प्रयोग करूंगा। अगर आपको सही तरीका पता है शांभवी मुद्रा का करने का, सही विधि मालूम है, तो आप कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने कहीं वीडियो में देखा है, हमारे भी वीडियो है शांभवी मुद्रा के। हाँ, हाँ गुरु जी। हाँ, है तो आप उसमें देख सकते हैं। वैसे उसमें मैंने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ही बताया है। हाँ, उसके कई स्टेजेस होते हैं। अच्छा तो आध्यात्मिक स्टेज तो उसमें उतना मैंने नहीं जिक्र किया है। तो वहाँ तो मुख्य रूप से त्राटक का ही जिक्र मैंने किया है। अच्छा हाँ, लेकिन जब आदमी उस शांभवी मुद्रा को लगाएगा तो धीरे धीरे और भी उसकी गतियाँ हो जाती हैं और अच्छा अंदरूनी आध्यात्मिक गतियाँ हो जाती हैं। तो आप उस शुरुआत करने के लिए वो जो मुद्रा मैंने वहां से बताई है, तो उसको आप देख करके उसको कर सकते हैं। जब आपने वो आप करना शुरू किया तो आप दीक्षित हो गए। और दीक्षित क्या होता है? कर्मकांड करने से थोड़ी दीक्षित हो जाता है। नहीं, बराबर कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं आपको होती है समझदार लोगों के लिए। वह तो उनके लिए है ना, जो कि जिनके पास इतनी भी समझदारी नहीं है को लगाना पड़े और दूसरा को। कि मैं खुद से कुछ कर सकूं प्रयोग, उनके लिए ऐसा है। हेलो। हाँ कहें। हाँ आपको आगने खुला करके में आपको लगाना है, यही फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेज क्या है उसमें? सेकंड स्टेप कौन सा हो जाता है? सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि आपको शांभवी मुद्रा में अपने अंदर की आंख जो है ना, उसको खोजना होता है। यानी आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे और भीतर की जो गतियां हैं, जैसे खून के जो दौरे हैं या श्वास की जो लहर है, श्वास की जो तरंग है, उस श्वास का जो प्रभाव है, उससे हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ तो श्वास का जो प्रवाह है और हमारे भीतर के जो अंग प्रत्यंग हैं अंदर के, वहां तक जो उसका प्रभाव जा रहा है, तो उसको देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में ये प्रभाव कहाँ तक जा रहा है, श्वास का प्रभाव कहाँ जा रहा है, और हमारी चेतना कहाँ जा रही है, दुख दर्द का प्रभाव कहाँ जा रहा है, और हमारी धड़कने कहाँ तक जा रही हैं, इसको महसूस करना है। प्राण जो शक्ति है वह अंदर कहाँ पर हिट कर रही है, कहाँ तक वह पहुंच रही? हाँ कहाँ तक पहुँच रही है और उसका क्या प्रभाव है, वो
सेकेंड स्टेज में चला जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसके बाद मन का उस पर देखा जाएगा तीसरे स्टेज में, हाँ, कि उसके मन की स्थिति उस समय क्या हो रही है। अच्छा, तो अपने उन मन को देखने की कोशिश करेंगे, यानी मन पर ध्यान लगाएंगे, तो वह जो तीसरी आंख है, क्योंकि मन ही वास्तविक आंख है हमारी। अच्छा, तो, हाँ, तो वह जो तीसरी आंख है ना, सांभवी मुद्रा में उस तीसरी आंख को ही वो फोकस किया जाता है, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसको मन कहा जाता है। हाँ, आज्ञा चक्र, चक्र के रूप में आज्ञा चक्र, यानी वह ऊर्जा जो हमारे मन के प्रवाह तक पहुंचती है। तो वहाँ जो हमारी मनस शक्ति है उसका हमें पता चलता है। तो मनस शक्ति के बाद पहला जो है ये भौतिक हो गया, जबकि आंख को बाहर से देखते हैं, फिर उसके बाद जो है प्राण शक्ति हो गया, फिर जो है मन शक्ति हो गया, उसके बाद फिर जो है हमें उसके विज्ञान पर ध्यान देना होता है कि उसका वहां पर जो प्रभाव आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे कौन निहित सिद्धांत है। उन सिद्धांतों पर फिर व्यक्ति का वो चला जाता है, अपने आप बोध हो जाता है सिद्धांतों का, जिसके तहत जो घटनाएं घट रही हैं, और उसके बाद अंतिम अवस्था जो है वो आनंद की अवस्था होती है। हाँ, तो अंतिम जो कोष है आनंद का कोष होता है, वहां पर परमात्मा दर्शन का वो होता है। तो वह आपकी सांभवी मुद्रा का वह फाइनल स्टेज हो जाएगा। अच्छा, और मैंने सुना था कि योनि मुद्रा करने के लिए एक ही बार करो, दिन में एक ही बार करो, बार बार नहीं कर सकते, किधर दूसरे लोक में आदमी पहुंच जाता है, ऐसा कुछ कैसा कुछ नहीं है? अब योनि कोई भी जो मुद्रा है उसे कौन कितने समय तक करता है, किस चीज के लिए कर रहा है, आखिर वो क्या, क्योंकि उससे कुछ शारीरिक लाभ भी होते हैं, कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं, कुछ प्राणिक लाभ होते हैं। तो व्यक्ति किस लाभ के उद्देश्य कर रहा है उसके हिसाब से ये होगा ना कि वो कितनी देर तक करेगा, कब करेगा, उसके हिसाब से निर्धारित होगा, यानी उसके लक्ष्य के हिसाब से होगा।